सुप्रभात जोहार, मेरा नाम है रविशंकर टुप्पो और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जोहार मास्टर। आज स्ट्रीट फूड की श्रृंखला में मैं आया हूँ एक सिंघाड़ा कचौड़ी और इसका बिकने वाली दुकान में। आइए हम खाते हैं और उनसे बात करते हैं कि किस तरह ये दुकान चलाते हैं और इनकी इनकम कितनी होती है। क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र। राजेंद्र, राजेंद्र कितना दिन से काम करेंगे यहाँ? तो मेरा 40 साल से दुकान है। 40 साल से दुकान? हाँ, पहले चिली चौमिन का दुकान था लेकिन अभी चेंज कर दिए हैं, अभी नाश्ता का दुकान कर दिए हैं। क्या क्या बनाते हैं आप? बर्रा, धुसका, समोसा, कचौड़ी। तो इसका रेट क्या है? सब 5 रुपये पीस है। दुकान आपका खुलने का टाइमिंग क्या है? मेरा दुकान खुलने का टाइमिंग है सुबह 4 बजे। 4 बजे से? 4 बजे से लेकर 4 बजे तक, शाम तक 4 बजे। तो ये काम तो आसान नहीं, इसके लिए आप कब से तैयारी करते हैं? ये सुबह 4 बजे से ही तैयारी करते हैं। नहीं, इसी जगह तैयारी करते हैं। यही पर ये धुसका सिंघाड़ा मुंगाड़ा का मसाला घर से बना? नहीं, सब यही बनाते हैं। सब यही बनाते हैं। तो आपका घर यहाँ पर कहाँ पर है? हमारा घर लक्ष्मण नगर में है। लक्ष्मण नगर में? तो आप पूरा फैमिली के साथ रहते हैं? हाँ, फैमिली के साथ रहते हैं, फैमिली भी आती है। कितने आपके बाल बच्चे? मेरा 3 लड़की 1 लड़का है। शादी उदी हो गया कि छोटा ही है? नहीं, दो टका शादी किए हैं। दो टका शादी किए हैं, दो टका नहीं किए हैं। एक लड़का एक लड़की नहीं किए हैं। आप बिजनेस कर रहे हैं उससे आपका पूरा घर परिवार चल जाता है, संतुष्ट है आप? नहीं, संतुष्ट तो नहीं है, परिवार भी जाती है कमाने। हाँ, परिवार भी जाती है, बच्चा लोग भी करता है। तो आपका डेली का कितना सेल हो जाता है? 700-800। 700-800, उसमें आपका प्रॉफिट कितना हो जाता है? 150-200 बचता है, ज़्यादा नहीं बचता। सब चीज़ तो महंगाई अभी है। हाँ, महंगाई है, कंपटीशन भी। हाँ, कंपटीशन है बाज़ार में, सब चीज़ महंगाई है। तो पहले आप चिल्ली चौमिन का जो दुकान करते थे उसको छोड़ के इसमें कहे आए, क्या दिक्कत है? उसमें दिक्कत मेहनत ज़्यादा था और पूंजी भी ज़्यादा लगता था और खटाई भी ज़्यादा था, मेहनत ज़्यादा था। तो उसमें तो इनकम भी ज़्यादा ही होगा ना? इनकम ज़्यादा, अभी दुकान इतना ज़्यादा हो गया है कि पूरा गुमला में भर गया है, पूरा चिली चौमिन का दुकान। यहाँ का आपका दुकान का एड्रेस बताइए। ये टंगरा स्कूल हो गया, डेली मार्केट। डेली मार्केट टंगरा स्कूल के सामने है? जी हाँ, जी, डेली मार्केट टंगरा स्कूल के सामने। मोटा मोटी 6-7 हज़ार रुपये महीना कमा लेते हैं? हाँ, 6-7 हज़ार महीना कमा लेते हैं। वाइफ भी बोले काम करती है? हाँ, वाइफ भी करती है। मेरा पैर में भी प्रॉब्लम है, मेरा पैर में भी प्रॉब्लम है, इसलिए कि ज़्यादा देर खड़ा भी नहीं रह सकते हैं। क्या हुआ, क्या दिक्कत? कुछ नहीं, जो लोग बेरोजगार घूमते रहते हैं, छोटा मोटा धंधा करना चाहते हैं, तो आप उसको क्या सलाह दीजिए? आप सलाह दीजिएगा? यही सलाह देंगे कि छोटा मोटा रोजगार करके किसी तरह अपना पेट पाले। हाँ, ऐसे मतलब बेकार ना घूमें। हाँ, आजकल देख रहे हैं झारखंड में बहुत सारे लोग बहुत नशाखोरी हो गया है। चोरी हो गया है, कुछ काम नहीं मिल रहा है, चोरी चमारी भी कर रहा है, नशाखोरी भी हो गया। इसलिए कि हम तो बोलेंगे यही कि छोटा मोटा कोई धंधा अपना पेट पालने के लिए करना चाहिए आदमी को, चोरी चमारी नशाखोरी नहीं करना चाहिए। बच्चा सब के बारे में क्या बताए? दो लड़की का शादी किए हैं और अभी एक लड़की पढ़ रही है और एक लड़का है, वो अभी गैरेज में जाता है काम करने। यहाँ अपना घर के रेंट पर रहते हैं? अपना घर है। अपना घर, ऐसे आप प्रॉपर कहाँ का रहने वाले?
मेरा ननिहान यही है। हम लोग बचपन लक्ष्मण नगर पर घर है। तो यही झारखंड से ही कई बाहर से आए? नहीं, झारखंड से है। हमारा बाप दादा सब झारखंड का ही है। टाइमिंग बताए 4 से 4 बजे? हाँ, 4 बजे शाम तक, 4 बजे सुबह से 4 बजे शाम तक। ये है आपका पटेल नगर से जसपुर जाने वाली रोड, मिला जसपुर रोड, सब्जी मार्केट के पास भैया की दुकान। ग्राहक यहाँ झुसका सिंघाड़ा कचौड़ी वगैरह खाना चाहते हैं, वे 4 बजे सुबह से 4 बजे शाम तक आके इसे खा सकते हैं। सब्जी में ये चना आलू का सब्जी खिलाते हैं? हाँ, आलू चना टमाटर का सब्जी है, धनिया पत्ता और टमाटर का चटनी है। मैं भी भैया के पास खाया था तो सब्जी का टेस्ट काफ़ी अच्छा लगा। सारा सामान आप ताज़ा रखते हैं? हाँ, सारा सामान ताज़ा, सब यही बनाते हैं। सुबह 4 बजे से लगते हैं। कुछ माल वगैरह बचता भी है कि सारा खत्म हो जाता है? नहीं, बच भी जाता है तो घर में खैर खा लेते हैं हम लोग। हाँ, बासी कोई ऐसा चीज़ नहीं रखते हैं हम यहाँ। सारा सामान भी एक बस ताज़ा मिलेगा, कोई भी चीज़ बासी नहीं मिलेगा आपको। आप गुमला के रहने वाले हैं या आप गुमला कभी आते हैं तो भैया के दुकान पर आइए और नाश्ता वगैरह कीजिए। उनका जो सामान का दाम है वो भी काफ़ी जेन्युइन है। आप 5 रुपये में कहें कि आप समोसा कचौड़ी वगैरह नहीं खा सकते हैं, भैया के पास ताज़ा समोसा कचौड़ी खा सकते हैं। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, आदमी को मन लगा के काम करना चाहिए। भैया अपने काम का उदाहरण देकर बताए हैं कि मेहनत कर रहे हैं, इस काम को लेकर अपने परिवार का भी पालन पोषण कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके 3 बच्चे को, 2 लड़कियों की शादी भी कर दी और बच्चे भी उनको कमा रहे हैं, साथ साथ उनकी वाइफ भी कमाने जाती है। कुल मिलाकर घर का बोझ अपना खर्च चलाते हैं। तो इंसान को, किसी भी इंसान को कोई गलत रास्ते की ओर ना जाकर सही काम का चुनाव करे तो आप अपना पालन पोषण और अपना जीविका व्यतीत कर सकते हैं। भैया भी यही सलाह दिए, जो नौजवान गलत रास्ते पर चले जाते हैं और बेरोजगार हो जाते हैं, वे भी अपना छोटा मोटा रोजगार कर इस तरह का और अपना जीविका चला सकते हैं। देख सकते हैं कि मैं झुसका मंगवाया हूँ और ये रहा झुसका और सब्जी।
इसका सब्जी काफ़ी टेस्टी है, आप इस दुकान में आके नाश्ता कर सकते हैं। सब्जी खोलिएगा थोड़ा सा, भुट्टा वाला चावल है ना, तो भी दिखाइए तो थोड़ा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हमें इसी तरह का वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे।